बिहार में बीजेपी के साथ बनी नई नीतीश सरकार संकट में है। नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करने से रोकने की तेजस्वी यादव ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव बीजेपी और आरजेडी के एक दर्जन विधायक के संपर्क में हैं। उनकी लगातार बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बड़ा खेल कर सकते हैं। तेजस्वी यादव दावा कर चुके हैं कि बिहार में अभी बड़ा खेल होने वाला है। तेजस्वी यादव को बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बड़ा खेला करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब भी वो अपना पता नहीं खेलने के लिए बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव ने उनके खेल को पहले ही उजागर कर दिया है। सिटी पोस्ट लाइव के सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव बीजेपी जेडीयू विधायक के सहारे नई सरकार को गिराने की तैयारी में जुटे हैं। इस बात का संकेत पहले ही जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी दे चुके हैं। वो तेजस्वी यादव को निर्देश बता रहे हैं और राजनीति में कैसे पैसे का खेल होता है ये भी समझा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया है। नई सरकार बनने से पहले ही राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी से बात की थी। अब अखिलेश सिंह ने खुलेआम मांझी को सीएम बनाने को ऑफर दिया है। अखिलेश सिंह का कहना है कि जीतन राम मांझी के सीएम बनने से महागठबंधन सरकार का सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाने के ऑफर के बाद जीतन राम मांझी चुप्पी साध चुके हैं। उनके इसी चुप्पी से बीजेपी जेडीयू की धड़कनें तेज हो गई हैं। मीडिया से बचने के लिए मांझी पटना से अपने क्षेत्र निकल गए हैं। सूत्र के अनुसार अब तेजस्वी यादव खेला करने में यानी बीजेपी जेडीयू के विधायकों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, तब मांझी सामने आएंगे।